सबसे पहले बताइए फिल्म क्या है, फिल्म की स्टोरी क्या है, मतलब मिस शगुन, शगुन का किरदार कौन निभा रहे हैं? ओके, हाय, आई एम शामिन मन्नान. और ये लव शगुन जो फिल्म है उस शगुन जैसे है. शगुन इज़ नॉट अ गर्ल, ये शगुन वो एस्ट्रोलॉजी वाले शगुन के बारे में है. और दिस फिल्म इज़ अबाउट फ्रेंडशिप, इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स. और इट्स अ कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म. देयर मैनी कैरेक्टर्स इन द फिल्म और दे आर वेरी रिलेटेबल. आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आप किसी ना किसी कैरेक्टर के साथ डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे. इट्स अबाउट लव ऑल्सो, द फिल्म इज़ अबाउट लव. एंड कैसे इसमें जो एक कैरेक्टर है वो कैसे लव और एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में फंस जाते हैं, तो इट्स अबाउट दैट. सो आई थिंक शामी ने काफ़ी क्लियर कर दिया कि मूवी क्या है. मैं सिर्फ ऐड करूँगी कि इट्स अ वेरी यूथ बेस्ड फिल्म जिसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. आप वो सारे कैरेक्टर्स जो हैं आप रियल लाइफ में भी देखते होंगे. वैसा कोई फ्रेंड, वैसे किसी की गर्लफ्रेंड, वैसा ही मदर के साथ भी मे बी रिलेशनशिप. सो इट्स लाइक कवरिंग मैनी थिंग्स इन वन पैकेज. बहुत ही रियलिस्टिक है. और या आई विल ओनली ऐड दैट इट इज़ अ यूथ ओरिएंटेड. काफ़ी लविंग कैरेक्टर देखने मिले हैं, लविंग, कंफ्यूज, कोई मामा बॉय जैसे कैरेक्टर है, तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को लेके काफ़ी डोमिनेट है या गर्लफ्रेंड को लेके काफ़ी डोमिनेट है. हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स है और इसमें हर कैरेक्टर का डेफिनेशन ऑफ लव भी दिखाया गया है. कि जैसे कि मेरा कैरेक्टर है, एम प्लेइंग द रोल ऑफ शमा, तो शी इज़ अ बार डांसर, बट वो बिल्कुल वैसी लाउड नहीं है. शी इज़ स्वीट एंड इनोसेंट और उसको लाइफ में प्यार चाहिए, तो वो प्यार ढूंढती रहती है. तो जब उसको वो प्यार मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिवोशनल है. तो शमा का प्यार जो है बहुत डिवोशनल टाइप का है. वैसे सबका अलग अलग प्यार है. जैसे इनका वो जो मेरा प्यार है, आई थिंक आपने अभी डोमिनेटिंग वर्ड यूज़ किया था. तो बहुत सारी गर्ल्स आजकल ऐसी होती हैं बिकॉज बहुत कुछ आसपास आपको देखने को मिलता है. तो बहुत सारी लड़कियां बहुत सारी पजेसिवनेस जो है रिलेशनशिप में ले आती हैं और बॉयफ्रेंड को लेके पजेसिव हो जाती हैं और बहुत सारे ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं उसके बीच. पर आई थिंक उस सबको भी एक्सेप्ट करके उस लव को सस्टेन करना, एडजस्ट करना, दिस इज़ वॉट इज़ एक्चुअल लव. तो मैं जो कैरेक्टर मून का प्ले कर रही हूँ, हाँ शी इज़ पजेसिव बट शी हैज़ हर ओन टर्म्स कि क्यों वो वैसी है, ऐसी क्यों बनी है. एंड सेकेंडली हाउ द लव सस्टेन्स. पहली फिल्म है, फिल्म को लेकर कितने एक्साइटमेंट, कितने नर्वस हैं, इसको डर सा है? मिक्स्ड फीलिंग्स हैं आई गेस. नर्वस भी हैं, एक्साइटेड भी हैं. और इसीलिए बार बार पुश कर रहे हैं कि लव शगुन को 26 फेब को ज़रूर 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 देखेगा. आई थिंक शामिन विल टेल मोर. या तो ये मेरी पहली फिल्म है, तो ऑब्वियसली नर्वस हूँ, एक्साइटेड भी हूँ जैसे इन्होंने बोला. एंड आई डोंट नो, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 26 फेब की लोगों का फीडबैक जानने के लिए. हम लोग का ट्रेलर आउट हुआ, उसका फीडबैक बहुत अच्छा था, तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. कटवेज से तो बाइक चलते पहले कटवेज चलाना. बात कीजिए थोड़ा सा बात दोनों. मैं इनको ये बोलती कि हमें ये बात अभी भी ये कर म्यूजिक पे वो लोग थोड़ा सा इधर से कैमरा वैसा वैसा वो चला ये भी अपने अपने वैसा है. लेकिन जब विक्रम का था तो वो हमेशा इनकार मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है. जब मैं मुझे ये अच्छा लगता है तो बोलते हैं कि जो जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आपको अच्छा. मुझे हमेशा सर ने बोला कि अच्छा भाई मैं चलेगा. मुझे नहीं मालूम था मुझे ऐसे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा. फिर मैंने उनको जाके बताया कि मैं वेरी वेरी गुड जर्नी है. टी वी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे रीच दी. मुझे मैंने अपना फर्स्ट ऑटोग्राफ साइन किया बिकॉज ऑफ टी वी. मैंने अपना फर्स्ट सेल्फी ली बिकॉज ऑफ टी वी. मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया बिकॉज ऑफ टीम. मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी बिकॉज ऑफ टीम. मैंने अपनी रेडी जी सर. तो सर सबसे पहले फिल्म के बारे में बताइए, आपका कैरेक्टर क्या है फिल्म में, क्या है? हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम मनित जौहरा है और हमारी एक फिल्म आ रही है लव शगुन, जिसमें जो 26 फरवरी को आ रही है, डायरेक्टेड बाय संदेश नायक. प्लीज़ ज़रूर देखिएगा.
उसमें मैं एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ कॉल्ड सैंडी। सैंडी एक वो कैरेक्टर है जो अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखा है, उस दोस्त उसके लिए बहुत अजीज़ हैं और वो चाहता है कि मेरे एक्सपीरियंस से उसके, बिकॉज ही हैज़ सीन लाइफ, उसने अपनी एक्सपीरियंसड है और ऑफ कोर्स ही हैज़ गॉन थ्रू हार्ट ब्रेक्स एंड व्हाट नॉट, सो ही वांट्स टू शेयर दैट दैट एक्सपीरियंस। वो चाहता है कि मेरे एक्सपीरियंस से मेरे उसका दोस्त समझे, क्योंकि इसका जो दोस्त है वो बड़ी कश्मकश में फंस चुका है, जो उसको एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है और जिसको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं दिल की सुनूं या माँ की सुनूं। माँ चाहती है शादी कर लो, अब दिल ये चाह रहा है कि, दिल भी चाहता है कि शादी करो, लेकिन अब पंडित जी ने फंसा दिया, पंडित जी ने ये बोल दिया कि बेटा आप शादी करोगे तो फंस जाओगे। तो वो सब चीज़ें हैं उसकी, अब उसको माँ का भी ख्याल है, अपना भी ख्याल है, वो भी एक प्रैक्टिकल कॉल लेना है, तो वो समझ नहीं पा रहा है। तो यस, ही सपोर्ट्स हिम, सो ऑल द फ्रेंड्स दे कम्स टुगेदर, दे ट्राई टू हेल्प हिम इन एवरी वे। तो यस, दैट फिल्म इज़ ऑल अबाउट दैट। दिस फिल्म इज अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट लव, अबाउट फ्रेंडशिप, और मुझे लगता है कि यार जहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पे चीज़ें कुछ आसान हो जाती हैं। तो यस, काफ़ी हर चीज़ का मिक्सचर इसमें नज़र आ रहा है, मतलब फ्रेंड का भी आ रहा है, लव का आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी का आ रहा है, मतलब काफ़ी हर किसी का एक कन्फ्यूज करेक्टर नज़र आ रहा है कि कोई डोमिनेंट है अपने घर गर्लफ्रेंड को लेके, कोई मॉम को लेके अपने ज़्यादा सीरियस है, कोई फ्रेंडशिप को लेके ज़्यादा सीरियस है। सी, ये जो सिचुएशन है बेसिकली फिल्म्स, जो फिल्म, कोई भी जो फिल्म बनती है, जो भी सेल्यूलॉइड पे फिल्म आती है, वो रियल लाइफ से ली गई होती है या इमेजिनेशन होता है या इंसिडेंट्स होते हैं। तो ऑफकोर्स ये जो दिस इज़ अ इंसिडेंट, आई एम श्योर जब आप फिल्म देखेंगे तो आप किसी ना किसी कैरेक्टर से आप ज़रूर अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ना वो सिचुएशन कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में हुई होती है या हमने सुना होता है कि हमारे दोस्तों के साथ, किसी ना किसी के साथ हुई है। वो हम लोग चाहते हैं उसको हमने इनकॉर्पोरेट करके एक फिल्म में डाला। तो ऐसा नहीं होता कि सब लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर हीरो होते हैं, सुपर हीरो होते हैं। सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है, अपने लिए सब लोग हीरो होते हैं। और ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला वो मुझसे बहुत बड़ा है, तो ही इज़ अ सुपर हीरो समथिंग लाइक दैट सॉर्ट ऑफ, तो उसके पास ऐसी कोई चीज़ें, आई लुक अप टू हिम और समबडी एल्स लुक अप टू मी। और जो मेरे लिए, जो मेरी तरफ देखते हैं, देर आर पीपल जो उनकी तरफ भी देखते होंगे। तो रियल लाइफ में कुछ कन्फ्यूज कैरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ डोमिनेंट भी होते हैं, कुछ सटल भी होते हैं, और कुछ जिनको कुछ दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होता वो भी होते हैं, कुछ बहुत एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो ऐसा होता है सर, जो आपका जो कैरेक्टर है फिल्म में लव शोगन में, कहीं ना कहीं क्या जो कैरेक्टर जो आपका आपसे मिलता जुलता है रियल लाइफ? बहुत मिलता जुलता है। ये कैरेक्टर मेरा ऐसा है, इसके लिए मुझे कुछ मेथड वेथड नहीं लगाने पड़े, कुछ नहीं करना पड़ा। बस हम लोग सारे फ्रेंड्स पहले ही, हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो वो एक केमिस्ट्री बहुत वर्क किया, और फिर हमने वी स्पेंट टाइम टुगेदर इन वर्कशॉप, तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। ऑफ साइड हम लोगों ने बहुत मस्ती करी, जो मस्ती करी वो कहीं ना कहीं हमारे फिल्म्स में दिखती हैं, बिकॉज हम लोग जब इम्प्रोवाइज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आप अपने लोगों के साथ काम करते हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, आपके अंदर एक इनहिबिशन नहीं होता, आपको नहीं लगता है कि यार अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो मेरा दोस्त कैसे किस तरह से लेगा, तो वो सब नहीं होता, तो चीज़ें बेहतर होती हैं, बिकॉज व्हेन यू नो यू आर इन द सेम पेज सो यू कैन वर्क बेटर, आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से काम, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। और हाँ, ये बहुत काम करता है। और बस फिल्म की बात करें तो फिल्म आपके बकेट में मतलब किस तरह है, कहाँ से आपके हाथ में आया? इंटरेस्टिंग है यार ये। मैं एक दूसरी फिल्म पे काम कर रहा था जो अभी रिलीज़ होनी बाकी है, शायद 2016 में एंड में रिलीज़ होगी, विच इज़ डायरेक्टेड बाय राजू सुब्रमण्यम, तो वो सब चल रहा है। जब मैं वो फिल्म का शूट कर रहा था तो मेरे पास तरन का फ़ोन आया, जिन्होंने मेरा किसी और फिल्म के लिए ऑडिशन लिया था और उन्होंने मुझे उस फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म थोड़ी सी डिले हो गई बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरे पास एक और फिल्म आ रही है, ये ऐसा कैरेक्टर है, आप ऑडिशन लेना चाहेंगे? तो मतलब मैं हर हालत में, मुझे हाँ ही बोलना था, मतलब क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई 4-5 फिल्म है और मुझे उनमें से एक डिसाइड करके एक करनी है, तो मेरे पास आई वुड से द फिल्म चूज मी, आई डेंट चूज़ द फिल्म। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप करेंगे, तो मैंने कहा यार कोई देर इज़ नथिंग टू से नो अबाउट इट, ऑफकोर्स आई विल डू इट। एंड देन आई वॉज ऑडिशन, जो हमारे फिल्म के हैं, जो फिल्म के क्रिएटिव हैं, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया,
जब ऑडिशन लिया तो बहुत अच्छे से लिया, उन्होंने बोला कि यार बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एक्टिंग करने की, आराम से जो आप फील करते हैं। स्क्रिप्ट इतनी नेचुरल थी, इतनी ऑर्गेनिक थी कि मेरा ऑडिशन जो है बहुत ही ऑर्गेनिक हुआ और उनको मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा लगा। संदेश सर ने ऑडिशन देखा तो वो संदेश सर ही समथिंग, इधर ही लाइक समथिंग और ही डजेंट लाइक समथिंग। उन्होंने जैसे ही ऑडिशन देखा उन्होंने बोला कि ही फिट्स द बिल। और फिल्म में बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप इफ़ यू आर क्लोज टू द कैरेक्टर देन इट इज़ बेटर। देन आई ही फाउंड दैट आई एम क्लोज टू द कैरेक्टर और बस कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अपने जर्नी के बारे में सर बताइए थोड़ा, काफ़ी लंबा जर्नी हुआ रहेगा। जी मैं 2007 में बॉम्बे आया था, 2008 में मैंने ग्लैडरिक्स किया, फिर मैंने जी के शो जी टीवी किया। मैंने मुझे टीवी ने बहुत कुछ दिया, मुझे मैंने टीवी के बहुत सारे शोज़ किए, करोल बाग, राम मिला जोड़ी, स्टार प्लस के लिए खामोशियाँ, मैंने आई वर्क विद बिजॉय नाम बिहार, मैंने एक फिल्म किया बैंड बजा बारात YRF के लिए, मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया था, रणबीर और अनुष्का उसमें थे, मैंने छोटा सा रोल उसमें प्ले किया था। देन मैंने एक इंटरनेशनल फिल्म किया फॉर अ फिल्म मेकर कॉल्ड माइकल कैरन, ही वॉज मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड द गर्ल विद द इंडियन एमरल्ड, वेयर आई प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म विच रिलीज इन नवंबर 2014, ह्यूज सक्सेस। पोज दैट मैंने एक फिल्म किया अमित शर्मा के साथ कॉल प्यार से देखो जरा, जिसमें रिशिता मेरे साथ थे। अभी मैं एक और फिल्म कर रहा हूँ राजू सुब्रमण्यम का, विच इज़ आउट फॉर रिलीज, आई कॉन्ट रिवील मच अबाउट दैट। और हाँ अब ये फिल्म आ रहा है 26 February को लव शगुन, विच आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड हैप्पी दैट दिस फिल्म इज रिलीजिंग फाइनली। काफ़ी कैरेक्टर एक साथ नजर आ रहे हैं फिल्म में, तो काफ़ी फन या काफ़ी मस्ती हुए रहेंगे सेट पे, तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ बहुत मस्ती हुआ यार, बहुत बहुत वाला मस्ती हुआ। आप अगर मेकिंग देखेंगे, हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जब मैंने मेकिंग देखी, मैंने फिल्म से पहले एक्चुअली मेकिंग देखी, जब मैंने फिल्म की मेकिंग देखी मुझे, मैं हंस हंस के मेरी हालत टाइट हो गई। कमाल की मेकिंग बनी है। और हम लोगों ने जैसा मैंने कहा कि जब हम लोग सब लोग एक पेज पे होते हैं तब आपके पास आप इनहिबिशन नहीं होते, और मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा जैसे कि मैं काम करने के लिए सेट पर जा रहा हूँ और मुझे यू नो आई यूज़ टू लिटरली एन्जॉय। और देर वर डेज जब हम लोग पैकअप के बाद 2-3 घंटा रुकते थे, वी यूज़ टू रिहर्स फॉर द नेक्स्ट डे सीन, देर डेज लाइक दैट एंड वी यूज़ टू एन्जॉय दैट। आफ्टर वर्किंग फॉर 15 hours अगेन यू आर स्पेंडिंग 3 more hours फॉर द नेक्स्ट डे, इट इज़ फैंटास्टिक। एंड बहुत सारे इंसिडेंट्स ये हुए कि हम गोवा में स्केड्यूल कर रहे थे और मैं कहीं शूट कर रहा था और मुझे फ़्लाइट पकड़ना, शाम का 5 बजे का फ़्लाइट था। मैं सीधा एयरपोर्ट पहुंचा बड़ी जल्दी से, वो सब था भीड़ भड़का था रोड पर, और मैं भागते भागते मैंने सामान वामान सब छोड़ दिया, ड्राइवर को बोला भाई तुम सामान पहुंचा देना कैसे भी करके, मैं पहुँच रहा हूँ मैं पहुँच जाऊँ। तो फटाफट पहुँचा, भाग भाग कर पहुँचा एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई जो है एक तो गेट्स जो हैं 45 minutes पहले बंद हो चुके हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम तीनों में से कोई भी पहले नहीं पहुंचा था। मैं अनुज और तरन हम लोग सब साथ में, अरे भाई अब क्या करें, बहुत रिक्वेस्ट किया उनको, अच्छा अच्छा चलो जाने दो प्लीज़ जाने दो जाने दो। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है एडजस्ट करते हैं। तो फिर हमने फिर जो टिकटिंग जो टिकट्स बना रही थी हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हम तीनों को साथ में बिठा दो। वो बोलती हैं हमने आपको अंदर ले लिया है यहाँ पर, उतना ही बहुत है, आप डिसाइड मत कीजिए कि आपको कौन सी सीट पर बैठना है, हम डिसाइड करेंगे आपको कौन सी सीट। उन्होंने कहा भाई आप रूड मत होइए, हम इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। तो नाराज़ हो गई, तो उन्होंने हमें क्या किया, मुझे आगे बिठाया, मेरे पीछे अनुज को बिठाया, उससे पीछे तरुण। तो पूरी जर्नी में हम लोग ऐसे ऐसे करके बातें कर रहे, बट वी ट्रैवल टुगेदर, वी हैड फन, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हुए जो मैं कैमरा पर शेयर ऑफकोर्स नहीं कर सकता हूँ, और वी लिटरली हैड अ लॉट ऑफ फन इन द फिल्म। बट यस जब हम लोग जब अनुज का वो सीन शूट हो रहा था जब जिसमें उसको थप्पड़ पड़ना था, तो हम लोग वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। तो हम लोग सब लोग बैठे होते, जैसे अनुज को थप्पड़ पड़ा हम लोग जो हंसे वो बेचारा सैड, उसको एक्चुअली लगा नहीं था कि उसको इतनी जोर की थप्पड़ पड़ने वाला है। तो जब उसको थप्पड़ पड़ता है, जब उसको नीरी थप्पड़ मारती है, तो वो ऐसा शॉक्ड हो जाता है, हम लोग इतना हंसे उसमें, वी एक्चुअली मेड फन ऑफ इट। और बहुत मज़ा आया जब हम लोग जहाँ पे एक जगह पे हम लोग गोवा में शूट कर रहे थे, और वी वर टोल्ड डेट यहाँ पे दे आर क्रोकोडाइल्स, एंड वी वर सच केयर, हम लोग को समझ नहीं आया कि हम लोग क्या करें। और एक्चुअली हम लोगों ने 2-3 जगह पे क्रोकोडाइल्स जाते हुए देखे। तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, वी यूज टू ट्रैवल टुगेदर, हमारा ऐसा कुछ वो भी नहीं था, वी ऑल नीड सेपरेट कार्स, नो 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 ऐसा कुछ नहीं था हमारा, हम लोग साथ में ट्रैवल करते थे, साथ में खाते पीते थे, हम लोग इनफैक्ट सब लोग साथ में बैठ के खाते थे, तो बहुत एंजॉय किया हमने। इट वॉज लाइक अ फैमिली, इट वॉज लाइक अ फैमिली गेट टुगेदर, एंड
इवेंचुअली वी मेड अ फिल्म. फिल्म को लेकर कुछ एक्साइटमेंट, कुछ नर्वसनेस? यार फिल्म आ रही है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है. 26 फरवरी को फिल्म आ रही है, बहुत ही अच्छी चीज़ है. हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, जब एक फिल्म बनती है तो उसमें कम से कम नहीं तो 250-300 लोगों की मेहनत होती है. जब वो फिल्म सक्सेसफुल होती है उन सबको अच्छा काम मिलता है, वो लोग आगे जाते हैं, आगे काम करते हैं. और फिल्म मेकिंग इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस. यू ऑल कम टुगेदर एंड यू मेक अ फिल्म, एंड व्हाट एल्स कैन बी बेटर देन दैट व्हेन इट इज़ अप्रिशिएटेड एंड एडमायर्ड बाय द ऑडियंस. सो आई बिलीव एंड आई विश हमारी फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो. और मैं आप सब लोगों से चाहूँगा कि आप लोग थिएटर्स में जाइए, फिल्म्स देखिए, हमारी फिल्म को सपोर्ट कीजिए. अगर अच्छी लगे तो बहुत अच्छा, हमको भी बहुत अच्छा लगेगा. अगर कुछ ख़राब लगे तो प्लीज़, हम सब लोग फेसबुक पे, ट्विटर्स पे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हैं, फीडबैक दीजिए हमें. हम लोग डेफिनेटली वो जो फीडबैक होगा हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी नेक्स्ट फिल्म में, न्यू अगले वेंचर में. फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. थैंक यू. शुक्रिया. सामने